हाँ जी, प्लस वन क्लास बेटे ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 3E, उसका सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ये आपको बताना है। यहाँ से मैं पहले सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस टू कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। अब देखिए बेटे, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग सकता है वही अप्लाई करें। कॉस स्क्वायर वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ कॉस स्क्वायर बी है, वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, पहले ये मैं ऐसे ही एज इट इज ही लिख देती हूँ। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। ये आ गया आपके पास। अब आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे, पहले तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, क्योंकि कॉस थीटा, लेट इसको हम थीटा मान के अपने माइंड में चलते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं होता, ये ध्यान में रखना। फिर प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। मैं पहले प्लस वाला लिख रही हूँ, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। अब बेटे इसका फॉर्मूला लगेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ यहाँ पर। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नाउ हम यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ये आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी यहाँ तक एज इट इज है। नेक्स्ट आप ब्रैकेट्स ओपन कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस क्या है? प्लस, प्लस साइन स्क्वायर बी। अब देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, आप इकट्ठे करो कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी को। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे पहले, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो ये तो फॉर्मूला वन बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। आप लोगों ने टेंथ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी, राइट हैंड साइड जो हम इसको प्रूव करना चाहते थे वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखो, प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ये हमारे पास इतना आ गया। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो सबसे छोटा एंगल होता है हम उसको एज इट इज ही रहने देते हैं, बाकी भी फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले देखिए, सबसे पहले आप लोग साइन 10 को एज इट इज रहने दो। साइन 30 की वैल्यू देखो, पहले तो सबसे पहले देखो वैल्यूज किस किस की है। साइन 10 की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, साइन 50 भी नहीं होता और साइन 70 भी नहीं। तो साइन 30 की जगह पे हम 1/2 लिख देते हैं, मैं पहले बाहर लिख देती हूँ, बाकी जो बचा लिख लेते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब आप कर सकते हो कि जो छोटा एंगल है उसको तो एज इट इज ही रहने दो, बाकी आप अंदर इन दोनों पे फॉर्मूला लगाओगे। जो बड़ा एंगल है हमेशा पहले लिखना है, साइन 70 डिग्री पहले लिखो और साइन 50 डिग्री बाद में। ये मल्टीप्लाई के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं ए बी फॉर्मूलेस, लेकिन ए बी फॉर्मूले में आपको पता है साथ में क्या चाहिए? टू, ये बनेगा टू चाहिए मुझे यहाँ पर। मैं टू से डिवाइड कर रही हूँ और टू से मल्टीप्लाई। ये 1/2 को 1/2 से किया, कितना बना? 1/4। साइन 10 डिग्री एज इट इज रहेगा और 2 साइन ए साइन बी, देखो दोनों साइन है, साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, मीन्स ये फोर्थ फॉर्मूला है। तो फोर्थ फॉर्मूले में आपने कैसे किया था? पहले दो फॉर्मूले साइन के होते हैं प्लस माइनस, अगले दो फॉर्मूले कॉस के होते हैं प्लस माइनस, मीन फोर्थ में दोनों कॉस आएंगे और माइनस आएगा और इंटरचेंज होता है। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हम इसको फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 1/4 साइन 10 डिग्री और ये कॉस कितना बना? 70 माइनस 50 20 डिग्री माइनस कॉस 70 प्लस 50, ये हमारे पास बना है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री की तो वैल्यू हमारे पास नहीं होती। हाँ, 120 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 20 को ब्रेक करेंगे तो देखो 100 माइनस 80 बनेगा या 90 माइनस 70, वो कोई वैल्यू हमारे पास होती नहीं, इसलिए हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस, इसको लिख सकते हो, देखो 120 डिग्री जो किसके बीच में आ रहा है? 90 और 180 के,
मैंने आपको पहले भी बोला है 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा, 90 के चक्रों में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, क्वेश्चन को इजी रखो नहीं तो आप खुद ही भूल जाओगे इसको कैसे करना है। तो 180 माइनस क्या लिखेंगे 60 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में देखो आफ्टर स्कूल साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 60 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो कॉस थीटा, थीटा मीन्स ये 60 डिग्री, तो ये आ गया कॉस 60 डिग्री। नाउ अब अगेन यहाँ 1/4 साइन 10 डिग्री और कॉस 20 तो वैसे ही रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, हम इसको फिर से खोल देते हैं, ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 1/4 साइन 10 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री प्लस 1/8, 1/4 को 1/2 से करेंगे 1/8 साइन 10 डिग्री। अब देखिए ये फिर वही बात, यहाँ पे इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूले के लिए बड़ा एंगल पहले रखना है आपने, तो मैं देखो यहाँ पे 1/4 तो मुझे 2 इसके साथ चाहिए ना फॉर्मूले के लिए, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉस 20 डिग्री साइन 10 डिग्री प्लस ये कितना आएगा आपके पास 1/8 साइन 10 डिग्री। अब देखिए अगेन फॉर्मूला लगेगा 2 कॉस ए साइन बी, साइन कॉस कॉस साइन, ये सेकेंड फॉर्मूला है, और सेकेंड फॉर्मूले में आप देखिए क्या होता है, पहले दो फॉर्मूले साइन के प्लस माइनस मीन साइन और माइनस आएगा, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए माइनस बी 20 माइनस 10 प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। अब आप इसको खोलिए 1/8 साइन 30 डिग्री, ये बनेगा साइन 30 डिग्री माइनस 1/8, 1/8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री। देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब साइन 30 1/8 इंटू साइन 30, साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, मीन्स ये आंसर आ गया 1/16, और हमें जो राइट हैंड साइड चाहिए थी वो हमने प्रूव कर दी। दैट्स ऑल बेटा।